जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों फाइनली आपका जो है स्कोर कार्ड जो है आज SSC ने जारी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आप अपना स्कोर कार्ड जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको जानकारी मिल पाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर नीचे आएंगे, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जब आते हैं लेटेस्ट न्यूज़ में, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 तारीख की जो डेट को है एक नोटिस जारी किया है, ठीक है, अपकमिंग द मार्क जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कॉन्स्टेबल GD, ठीक है। तो ये जो है आपका मार्क्स जो है आ चुका है, PDF इसने दे दिया है, तो ये PDF को मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुकी है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हो इस PDF के माध्यम से, अगर इसके पहले का जो अगर बात करूँ दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो रिजल्ट मार्क्स जो शेयर किए गए थे उसमें एक लिंक दिया था नीचे इसी प्रकार से, तो यहाँ पर भी एक लिंक नीचे दिया हुआ है। अब इस लिंक पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है सीधा SSC की साइट ही ओपन होती है, इसके बाद कुछ भी ओपन नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी बच्चों के साथ। तो यहाँ पर आप लोग किस प्रकार से आप अपने नंबर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। सबसे पहले बात, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड जो होता है नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ होता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ होता है। और यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है, ठीक है। कैप्चा फिल करने के बाद लॉग इन कर दीजिएगा आप। तो यहाँ पर जो है मेरे पास जो आपका दिख रहा है यहाँ पर लॉग इन और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर रॉन्ग है, इस वजह से मैं यहाँ पर आपको लॉग इन करके तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप जब आप अपना सही रजिस्ट्रेशन नंबर, सही पासवर्ड और सही कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा किस प्रकार का, देखिए। तो यहाँ पर रिजल्ट जब आएगा, ठीक है, तो रिजल्ट जब आएगा आपके सामने तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपको क्या मतलब, ये रिजल्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा किस प्रकार से आपको रिजल्ट चेक करना है, कुछ का रिजल्ट चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, GD कांस्टेबल पर आप क्लिक करेगा। तो अभी तक यहाँ पर तो कोई अपडेट नहीं है, जैसे आप जो लॉग इन करते हैं उसके बाद जब आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको मार्क्स के लिए जो है आपको आपका जो है रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो है पूछ के जो है आपके नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है, ठीक है, रॉ मार्क कितने थे, ठीक है, आपका जो है नॉर्मलाइजेशन होकर कितना क्या मिला है, सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने देख चुका है, आप भी जो है देख लीजिएगा सिंपल सा यहाँ पर किस प्रकार से करना है, आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा वीडियो को ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।